हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश गुंडा राज की ओर अग्रसर है। देश के अंदर सुनियोजित ढंग से माफ लिंचिंग के माध्यम से विशेष समुदाय और विचारों में भिन्नता रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं, दलितों तथा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एवं जुल्म करने वाले दंदना रहे हैं। जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं और देश के भीतर डर तथा खौफ का माहौल है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा और उनसे संबंधित अन्य दलों के कार्यकर्ता एक सोची समझी रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए देश में सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं और गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा जैसा माहौल राजनीतिक लाभ लेने के लिए पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना सत्ता हासिल करने के खतरनाक खेल को देशवासियों को समझना होगा, क्योंकि भाजपा देश में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा पूर्व में किए गए चुनावी वायदों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए देश में संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर तनाव उत्पन्न कर राजनीति लाभ लेने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि भारतवर्ष की पहचान अनेकता में एकता और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले राष्ट्र के रूप में है और देश की इस छवि एवं पहचान को खंडित करने वाली शक्तियों को इस देश की प्रबुद्ध जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर एक संप्रदाय विशेष के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भिन्नता रखने वाले लोगों को एक सुनियोजित षड्यंत्र और योजना के तहत निशाना बनाया जा रहा है और आज देश के अंदर, जैसा कि बहुत वर्ष पूर्व गुजरात के अंदर दंगों के उपरांत वातावरण बना था, उसी तरह का माहौल जो है वो बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन करने जा रहे हैं। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जो है आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ है नहीं, पिछले चुनावों में जो वादे किए थे वो वादे भारतीय जनता पार्टी भूल गई, पूरे नहीं किए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इन्हीं मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए आज देश को संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर बांटकर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके जो है देश के लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है। भारतवर्ष की पहचान पूरे विश्व में अनेकता में एकता, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका सम्मान और कद्र करने के लिए की जाती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इसके जो सहयोगी संगठन और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जो साजिश है उसको देश की जनता भरी प्रकार समझती है, जानती है, उससे वाकिफ है और भारत की जो पहचान आपसी भाईचारे की, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की, भारत की एकता और अखंडता की जो पहचान है इसको मैं समझता हूँ देश की जनता बरकरार रखेगी और ये जो इन लोगों का षड्यंत्र है इसको अच्छी तरह से समझेगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होगी।